राज्य में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस चलाएगी अभियान, प्रदेश समेत देश भर में कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। राज्य में शिक्षकों और पंचायत सचिवों ने किया सीएम भूपेश का सम्मान, शिक्षकों ने लगाए पका है तो भरोसा है का नारा। राज्य के रायपुर में सीएम भूपेश ने ली गृह विभाग की समीक्षा बैठक, कानून व्यवस्था को लेकर दिए दिशा निर्देश। की समीक्षा बैठक पर विपक्ष का कटाक्ष, कहा गृह मंत्री पर मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं। कोरिया में श्री राम गमन वन पथ यात्रा पहुंचा कोरिया, भक्तों ने पुष्प वर्षा और आरती उतारकर किया भव्य स्वागत। नमस्कार, मैं हूं निशित दुबे और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। तो मोर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेंगी अभियान को लेकर संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि देश की जनता बढ़ती महंगाई से काफी परेशान है, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाएगी। उन्होंने बताया कि 31 मार्च को देश रहित छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश भर के कार्यकर्ता घंटी थाली ड्रम बजाकर केंद्र सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। अभियान का पहला चरण खत्म होने के बाद 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक अभियान का दूसरा चरण चलाया जाएगा। सभी ब्लॉकों और जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तीसरे चरण में रायपुर में 7 अप्रैल को केंद्र सरकार के खिलाफ विशाल धरना दिया जाएगा। अभियान का अभियान कांग्रेस पार्टी चलाने वाली है, जिसके अंतर्गत 31 मार्च को देश भर में और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने घरों से गैस सिलेंडर गैस चूल्हे निकाल के बाहर रख के प्रदर्शन करेंगे, घंटी बजाएंगे, थाली बजाएंगे, ड्रम बजा के केंद्र सरकार की कुंभकर्णी निंदा से जगाने का प्रयास करेंगे कि आज देश के लोग महंगाई से परेशान हैं, केंद्र सरकार उनको राहत पहुंचाए। इन सब कार्यवाहियों का उसी दिन कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता सभी पदाधिकारी सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करेंगे। इसके अलावा 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक महंगाई मुक्त भारत का अभियान का दूसरा चरण चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी ब्लॉकों में जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा तथा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस अभियान के तहत तीसरे चरण में 7 अप्रैल को एक विशाल धरना। तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस के महंगाई मुक्त अभियान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य में उनके घोषणा पत्र को कभी पूरा नहीं किया जाता है, यह सबसे बड़ी विडंबना है। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ का नारा अब डिब्बे में बंद है। वही राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ता, शराबबंदी, संपत्ति कर आधा, ऐसे कई वादे किए तो जरूर थे लेकिन अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं। यही कारण है कि अब भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत अभियान पर काबिज है। 5 प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, अब छत्तीसगढ़ की बारी है। कांग्रेस महंगाई मुक्त अभियान चला रही है। वास्तविक में जिस प्रकार से कांग्रेस वादा करती है और उनके घोषणा पत्र को देखते हैं, 1971 में इन्होंने चलाया था कि गरीबी हटाओ, 50 वर्षों तक शासन किया लेकिन गरीबी नहीं हटी। छत्तीसगढ़ में अनेक ऐसे घोषणा पत्र जारी किए कि शराबबंदी से लेकर के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तक, जो कागजों में सिमट करके रह गई है। और भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है कांग्रेस मुक्त भारत, ये अभियान हमारा जारी है। 5 प्रदेशों का चुनाव हुए, इस 5 प्रदेश के चुनाव में इस मुद्दा को लेकर के कांग्रेस गई थे लेकिन देश के जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया। भाजपा के जो मुद्दे हैं उसको जनता ने स्वीकार किया
चारों प्रदेश में विशाल बहुमत के साथ में भाजपा की सरकार बनी और कांग्रेस अपने तो भूपेश सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए महंगाई मुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिस पर विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। चलिए इस पर तमाम जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से जुड़ते हैं। छत्तीसगढ़ का स्टेट एडिटर स्वरूप भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। स्वरूप, महंगाई मुक्त अभियान से भाजपा नेता धरमलाल कौशिक को ऐसी क्या समस्या हो गई है जो खुद को कांग्रेस पर कटाक्ष करने से रोक नहीं पाए? निशु जी, मैं बता दूं कि कांग्रेस बीते लगभग 3 सालों से लगातार महंगाई को लेकर बहुत बड़ी एक अभियान छेड़ी हुई है। अब सीधे तौर पर 3 चरणों में, जिसमें 31 मार्च 2 अप्रैल और 7 अप्रैल को महंगाई के खिलाफ एक कांग्रेस अभियान चला रही है, जिसको महंगाई मुक्त अभियान का नाम दिया गया है। इसी को लेकर अब सियासत इतनी गर्मा गई है छत्तीसगढ़ में कि भाजपा ने उस पर ही तंज कस दिया है। भाजपा ने सीधे तौर पर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस अब 3 साल से ज्यादा राज्य में अपनी सरकार चला चुकी है, तो भाजपा का यह कहना है कि कांग्रेस ने अब तक जो भी घोषणा पत्र में वादे किए थे, उसमें से कोई भी वादे अब तक पूरा नहीं कर पाई है, तो उसे सीधे तौर पर महंगाई के खिलाफ लामबंद होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि घोषणा यदि पूरी होती तो छत्तीसगढ़ में खासकर कोई भी महंगाई नहीं दिखाई देती कि उसके। लेकिन शराबबंदी और बेरोजगारी भत्ता जैसे कई मुद्दे हैं, संपत्ति कर आधा किए जाने का जो मुद्दा है उसको भी भाजपा ने उठाया है। इसको लेकर भाजपा अब कांग्रेस मुक्त भारत अभियान एक छेड़ने जा रही है। हालांकि ये दिल्ली में आज भी जारी है, उसे अब छत्तीसगढ़ में जारी किया जाएगा, जो जिसपे कांग्रेस मुक्त भारत अभियान में ये शामिल होंगे। और इनका सीधे तौर पर ये कहना भी है धर्मलाल कौशिक का कि 5 प्रदेश का जो चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया है। कांग्रेस का सफाया होना ये तय माना जा रहा है। उनके साथ उनका ये भी कहना है कि आगामी जो मिशन 2023 है, यानी 2023 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी 5 राज्यों की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का सफाया होगा। लेकिन कांग्रेस उनके धर्मलाल कौशिक के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूप आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों में बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ शिक्षा संवर्ग और पंचायत सचिव संघ ने मिलकर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान शिक्षकों और पंचायत सचिव ने कका है तो भरोसा है, पेंशन पुरुष और न्याय पुरुष जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के पुरानी पेंशन बहाली के निर्णय के बाद सर्व शिक्षक पंचायत सचिव मंच के बैनर तले 12 कर्मचारी संगठनों ने अभिनंदन किया। संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री बघेल का सम्मान कर आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब मैंने बजट सत्र के दौरान पुरानी पेंशन नीति लागू करने की घोषणा की तो तब तो नहीं सोचा कि इतना अच्छा असर होगा। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों संगठन आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आज एक बड़ा आयोजन शिक्षकों के और पंचायत सचिवों के 12 संगठनों ने आज धन्यवाद आभार व्यक्त किया। हजारों की तादाद में सब कर्मचारी आए थे और कुछ उनके मांगे थे, उनमें कुछ संशय है, उसको मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि सबको उसके बारे में अपना प्रस्ताव। तो राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। गृह विभाग की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम बघेल ने कहा कि लगातार गृह विभाग के द्वारा काम किया जा रहा है, चुस्त दुरुस्त करने और प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्देश दिया गया है। वहीं सीएम बघेल ने कहा कि एक समय था जब छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जवान शहीद होते थे और आम नागरिकों की भी मौत होती थी। विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति के चलते नक्सल मामले में काफी कमी आई है। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्रालय के रिपोर्ट से हम संतुष्ट है। गृह विभाग के द्वारा, पुलिस के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और उसमें लगातार समीक्षा भी की जाती रही है, तो उसमें और चुस्त दुरुस्त करने के लिए, प्रभावी कदम उठाने के लिए मैंने निर्देश दिए। इसमें एक समय था कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हमारे जवान शहीद होते थे और आम नागरिक की मौतें होती थी, लेकिन लगातार
इस क्षेत्र में काम करने के कारण से हमारी जो नीति है विश्वास विकास और सुरक्षा, इस नीति से चलते हुए आज उसमें काफ़ी कमी आई है। तो हमारे ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा भी इस प्रकार से जो रिपोर्ट आया है वो हमारे लिए संतोष का विषय है। तो इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा गृह विभाग की समीक्षा बैठक के लिए जाने पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कटाक्ष किया है। नेता प्रतिपक्ष की माने तो कांग्रेस के राज में अराजकता और अपराध प्रदेश में बुरी तरह से फैल गई है और सरकार इसे नियंत्रित नहीं कर पा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री के बजाय मुख्यमंत्री का कानून व्यवस्था पर बैठक लेना साफ दर्शाता है कि गृह मंत्री कानून व्यवस्था बनाने में असफल साबित हो रहे हैं। सरकार के नियंत्रण में नहीं है, चाकूबाजों की घटनाएं लगातार हो रही है, लगातार अनाचार की घटना हो रही है, लगातार आत्महत्या यहां पर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि जो गृह मंत्री के ऊपर भरोसा न जता करके उन्होंने स्वयं गृह विभाग की समीक्षा की, मतलब स्पष्ट है कि गृह मंत्री जी उसमें फेलवर साबित हुए हैं। और आज जिस प्रकार से पूरे देश की बात करेंगे तो चाहे किशोरों के द्वारा किया गया हो अपराध हो, आत्महत्या की बात करें, अनाचार की बात करें, लगातार रैंकिंग में जो बढ़ रही है और अराजकता की स्थिति पूरे प्रदेश में निर्मित हो गई है, इस बात को लेकर के समीक्षा बैठक किए हैं लेकिन उसका परिणाम आना। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।